तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले रोमन रेंस के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें सामने आई है। तो कौन कर सकता है जॉन सीना को फेस इन द रेसलमेनिया यानी उनके आखिरी मैच में। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए लेते हैं खबर। तो WWE के रेसलमेनिया के बाद का शो काफ़ी अच्छे गए, जो हम पेपर व्यू कर सकते हैं, मंडे नाइट रॉक के एपिसोड कर सकते हैं, स्मैकडाउन के एपिसोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब एक लिस्ट सामने आ रही है, तो वो लिस्ट कौन सी है? तो WWE ने खुद के तरफ से एक लिस्ट जारी की है, उसमें सारे इंजर्ड सुपरस्टार की लिस्ट है। यानी रेसलमेनिया से लेकर अब तक जितने सुपरस्टार WWE के इंजर्ड हुए उन्होंने उनकी सारी लिस्ट जारी कर दिए। तो ये सुपरस्टार की इंजरी एक रेसलिंग में यानी रेसलिंग करियर में एक नॉर्मल बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सुपरस्टार आता है ऑस्का। ऑस्का का नाम आ रहा है क्योंकि उनका ACL यानी उनके घुटने में प्रॉब्लम है और वो अपनी चैंपियनशिप हारने के बाद तब ने दिखी नहीं। उसके बाद आता है CM Punk का नाम। CM Punk अब लगभग फिट होने के कगार पर है, लेकिन उनके ट्राइसेप में प्रॉब्लम था, ट्राइसेप में किया था, वो रॉयल नंबर से बाहर थे। उसके बाद आता आइवर यानी वाइकिंग रेडर के मेंबर। वाइकिंग रेडर के दोनों मेंबर फिलहाल अभी इंजर्ड चालू है। उसके बाद नाम आता है टाइलर बेट का यानी द न्यू कैच रिपब्लिक। पिछले हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉप के एपिसोड में माइकल कोल ने हमें बताया था कि टाइलर बेट ये हफ्ते यानी लाइव इवेंट करते करते इंजर्ड हो चुके हैं। उसके बाद नाम आता है बॉबी लैशली। बॉबी लैशली किंग एंड द क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के पहले वर्कआउट करते करते उन्हें इंजरी फेस करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद नाम आता है, अब ये हम ये इंजर्ड नहीं कर सकते, हम ये दो सुपरस्टार है, पहली है कार्मेला और फिर उसके बाद है एलेक्सा ब्लिस। ये दोनों सुपरस्टार ने अपनी प्रेगनेंसी के चलते WWE से ब्रेक लिया। तो और अब ऐसी खबरें सामने आ रही कि एलेक्सा ब्लिस बहुत जल्द रिटर्न करने के कगार पे है और वो शायद पॉसिबली रिटर्न करते ही वायट 6 को ज्वाइन भी कर सकती है। नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर इंजर्ड नहीं है, लेकिन वो पिछले साल जब से कोडी रोड से मैच हारे थे समर स्लैम में, तब से वो गायब चालू है। और उसके बाद आते हैं सुपरस्टार बिगी। बिगी को स्मैकडाउन पे अपनी नेक में इंजरी हुई थी, तब से वो बाहर चलो और पॉसिबली वो ऐसा हो सकता है कि वो कभी रेसलिंग में रिटर्न ना कर सके। और उसके बाद आती है शार्लेट फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर भी इंजरी के चलते उनके भी घुटने में प्रॉब्लम है और उनके इंस्टाग्राम पर वो उनकी रिकवरी की वीडियो डालते ही रहती है। और नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं रोमन रेंज। तो रोमन रेंज बाहर नहीं रिटर्न ये कर सकते हैं, ठीक है चलो रोमन रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोमन रेंज रिटर्न कब करेंगे? तो रोमन रेंज का पॉसिबली रिटर्न हो सकता है नेक्स्ट स्मैकडाउन पे भी हो सकता है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे, नेक्स्ट स्मैकडाउन पे कैसे? तो सोलो सिकोवा ने रोमन रेंज को धमकी दी थी कि भाई रोमन रेंज मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सल टाइटल के पीछे यानी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल के पीछे और मैं वो टाइटल जीतूंगा कोडी रोड से, वो टाइटल ब्लडलाइन में वापस आएगा। अगर तुझे वो टाइटल चाहिए तो तू आके मेरे से ले ले, यानी सीधी सीधी सोलो सिकोवा ने रोमन रेंस को धमकी दी कि तू यहाँ पे आएगा तो बच के रहे, नहीं तो वहीं पटक के कर देंगे, ऐसा सोलो सिकोवा का कहना था रोमन रेंस को। और रोमन रेंस रिटर्न करके अपना बदला ले सकते हैं सोलो सिकोवा से क्योंकि सोलो सिकोवा की इतनी हिम्मत, और फिर हमें सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड यानी न्यू ब्लड लाइन वर्सेज द ओल्ड ब्लड लाइन की OG यानी ओरिजिनल फ्यूड हमें देखने के लिए मिल सके और यहाँ पे हमें और सुपरस्टार रिक्रूट होते हुए भी दिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि WWE का क्या प्लान है जॉन सीना को लेके। तो जॉन सीना को लेके बुकर टी ने एक बात कही थी WWE के प्लान के बारे में, क्योंकि बुकर टी WWE को काफ़ी अच्छी तरह समझते और वो NXT में एक अनाउंसर यानी कमेंटेटर है और जो इंटरनल खबरें चलती है WWE की उसके ऊपर भी बुकर टी का काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। तो उन्होंने कहा कि पॉसिबली जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते और बन भी नहीं सकते। अगर वो चैंपियन बनेंगे तो उन्हें टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा और वो एक पार्ट टाइमर है। तो WWE के अभी कुछ क्लियर प्लान्स नहीं है कि वो टाइटल जीतेंगे या टाइटल नहीं जीतेंगे, लेकिन रेसलमेनिया में पॉसिबली उनका टाइटल मैच हो सकता है और वो कौन से सुपरस्टार के खिलाफ होगा वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो उसके बाद हमें खबर आ रही है कि रोमन रेंस ने एक फैन से मीटअप किया यानी एक उनका बच्चा फैन यानी एक छोटा फैन, बच्चा फैन हम कह सकते हैं। तो रोमन रेंस जब से गायब हुए तो उनकी हमें पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है, खबरें लीक होती है वो सामने आती है। रोमन रेंस डिज्नीलैंड में पाए गए थे, उसके बाद आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर फोटो आ गया होगा। रोमन रेंस ने उनके फैन के साथ एक पिक्चर निकाले, फैन के आपने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा गदगद हूँ रोमन रेंस ने मेरे बेटे के लिए टाइम निकाला, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
कि जब रोमन रेंस रिटर्न करेगा तो उन्हें पॉसिबली फेस कौन करेगा, तो उन्हें पॉसिबली फेस कर सकते हैं द रॉक, वो भी रेसलमेनिया 41 में। और ये मैच हमें देखने को मिल सकता है ब्लड वर्सेस ब्लड, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ट्राइबल चीफ वर्सेस द फाइनल बॉस, ये मैच हो सकता है क्योंकि यही सारे मैच होने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन जिस तरह से फैन का ब्लैकलैश आया था उसकी वजह से प्लान कैंसिल हो गए थे। और हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है वापस ब्लड लाइन के मेंबर के बारे में, जिमी उसो के बारे में। तो जब से रेसलमेनिया में उनकी हार हुई थी जे उसो के खिलाफ, उसके बाद के स्मैकडाउन के एपिसोड में सोलो सिकोया ने उनको ब्लड लाइन से लात मार के निकल दिया था। टामा टोंगा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और जिमी उसो के ऊपर उन्होंने काफ़ी डेंजर अटैक करके जिमी उसो को गांड पे लात मार के हकल दिया था, निकाल दिया था ब्लड लाइन में से। अब जिमी उसो टोटली क्लियर हो चुके हैं, यानी इसी हफ्ते वो रेसलिंग करने के लिए पूरी तरह क्लियर हो चुके हैं WWE के डॉक्टर के तरफ से, और हमें पॉसिबली वो भी रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। शायद वो भी इसी हफ्ते के स्मैकडाउन पे रिटर्न करते हुए दिख जाए। अगर रोमन रेंस रिटर्न करेगा तो रोमन रेंस के साथ ही हमें जिमी उसो का भी रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, और जिमी उसो और जो रोमन रेंस मिलके द न्यू ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करते हुए हमें दिख सकते हैं। और पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जे उसो और उसके बाद हॉनिनरी ऊज यानी सैमी जेन भी हमें इस मैचअप में देखने को मिल जाए, वो भी अपने इस मैच में हमें जुड़ते हुए दिख जाए। फिर हमें एक नई खबर सामने आई कि जो हेनरी, आप जानते होंगे TNA स्टार जो हेनरी, अब WWE ने उन्हें अपने रॉस्टर के पेज के ऊपर फीचर कर दिया है, और WWE उन सुपरस्टार को अपने वेबसाइट के ऊपर फीचर करती है, रॉस्टर के पेज के ऊपर फीचर करती है जो WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और जो हेनरी इस वक्त TNA के अंदर है, और ये कैसा हो सकता है? तो WWE का यह प्लान है कि जो हेनरी को फुल टाइम वो WWE में साइन कर ले, क्योंकि जिस तरह का ऑडियंस रिएक्शन जो हेनरी को मिलता है उनका गाना, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता, वो हमेशा मेरे दिमाग में चलता है, आई बिलीव इन जो हेनरी, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, एक नंबर गाना है। तो हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है गुंज के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि जॉन सीना के बारे में आपको खबर सामने दूंगा, तो सबसे ठीक है ये खबर सामने, तो ये प्लान है कि जॉन सीना ये साल का रॉयल नंबर पॉसिबली जीत सकते हैं या फिर एलिमिनेशन चैम्बर भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इवेंट के विनर्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं। तो अगर जॉन सीना रॉयल नंबर जीतते तो गुंथर को चैलेंज करेंगे, अगर शायद नहीं जीतते तो एलिमिनेशन चैम्बर पेपर में जीतते भी वो गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं, अगर ऐसा प्लान है WWE का। तो पहले गुंथर के बारे में बात करें, तो गुंथर का प्लान अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं होता और ब्रॉक लेसनर वर्सेज गुंथर नहीं होता, तो ब्रॉक लेसनर वर्सेज गुंथर नहीं होगा, तो फिर उसके बाद जॉन सीना वर्सेज गुंथर, यानी फिर हमें समर स्लैम में गुंथर लेने प्रिस को हराते हुए चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं, और फिर उनका मैच पॉसिबली होगा जॉन सीना वर्सेज गुंथर का फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और शायद WWE उस तरह नहीं जाएगी, शायद जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाने का WWE का प्लान होगा और वो कोडी रोड्स के तरफ ही जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी खबर आ रही है ये रेसलमेनिया 41 में, जैसे मैंने आपको कहा कि रॉक वर्सेज रोमन रेंस का मैच कराने के WWE का प्लान है, तो वो कैसे WWE एग्जीक्यूट करेगी? तो उसके लिए सबसे पहले WWE को रॉक का रिटर्न कराना पड़ेगा, उसके बाद रोमन रेंस का रिटर्न कराना पड़ेगा, ये दोनों सुपरस्टार रिटर्न करके शायद पॉसिबली रॉक ही रोमन रेंस के ऊपर टर्न करेंगे और वो न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे और रोमन रेंस के ऊपर काफ़ी ब्रूटल अटैक करेंगे, यानी सारे ब्लड लाइन के न्यू ब्लड लाइन के मेंबर मिलकर रोमन रेंस और द ओल्ड ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करेंगे। फिर उसके बाद हमें फ्यूड देखने को मिलेगी रॉक वर्सेज रोमन रेंस की, और वो हमें सीधा सीधा लीड करेगी एक रेसलमेनिया मैच की तरफ, जहां रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ वर्सेज द रॉक द फाइनल बॉस के बीच हमें एक काफ़ी ज़्यादा हाई रेटिंग मैच देखने के लिए मिले। और यही प्लान WWE का रेसलमेनिया 40 का भी था, लेकिन फैंस के ब्लैकलिस्ट की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये मैच हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो अपना ख़त्म होता है।